हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और सेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम पर हमारे पास 22 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। और हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, ठीक। तो हम इन्हीं आर्टिकल्स को, इन पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड किया गया है, उनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो यह देखते हैं, सबसे पहले है हमारा पार्ट वन, ठीक है जी। पार्ट वन क्या कहता है कि यूनियन और एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करता है, ठीक। पार्ट वन जो है वो कंटेन करता है आपका आर्टिकल वन से आर्टिकल फोर तक। जो आर्टिकल वन है, वन से आर्टिकल फोर तक का जो ड्यूरेशन है, चार आर्टिकल्स आपके इसके अंदर आते हैं पार्ट वन के अंदर, और उसका टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। हम हर आर्टिकल्स को, हर टॉपिक्स को, हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट सेकेंड क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात करता है, जो कि कंटेन करता है आर्टिकल नंबर 5 to आर्टिकल नंबर 11, ठीक है जी। हमारा क्या हो गया, पार्ट वन जो हो गया 1, 2, 4 हो गया, एंड पार्ट टू है जो सिटीजनशिप का है, जिसमें आर्टिकल आपके 5 to 11 हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट थ्री के बारे में, ठीक है। पार्ट थ्री हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है आपके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में कवर होते हैं, ठीक। और जो फंडामेंटल राइट है आपके, वो छः टाइप के हैं, सिक्स टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो देखिए, पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी क्या है आपका, आर्टिकल 12 आपका 14 से, ठीक है, 14 से 18 के बीच में है। देखिए यहाँ पर जो है 12 और 13, जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है, ये क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं, कि वो बताते हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट के तहत आते हैं, इनको हम देखेंगे आगे। फिर हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल नंबर 19 to 22 आता है। फिर नेक्स्ट राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके जो आर्टिकल्स हैं 23 and 24। फिर नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर 25 से 28 नंबर आर्टिकल्स आते हैं। फिर आपका आता है कल्चरल राइट और एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है, जो कि 29 आर्टिकल से लेकर 31 आर्टिकल तक कंसिडर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। तो इसमें जो है आपका आर्टिकल 32 से 35 तक कंटेन करता है। ठीक है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, उस टाइम पर एक और राइट था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। बाद में इसे हटा के राइट, फंडामेंटल राइट से हटा कर इसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास कितने राइट, फंडामेंटल राइट्स थे 7, बट प्रेजेंटली हमारे पास कितने हैं 6, ये वाला हमारा हट गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक कंटेन करता है, 12 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक, जिसके अंदर ये फर्दर सब डिविजन है राइट्स के, ठीक। फिर पार्ट फोर्थ आ रहा है आपका, पार्ट फोर्थ क्या कहता है, DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ है आपके, 36 टू 51 के बीच में, जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो DPSP के तहत आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये दो जो पार्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कि फंडामेंटल राइट्स या DPSP किस पार्ट के तहत आता है, किस पार्ट में कंटेन है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि पार्ट फोर्थ DPSP के लिए है, पार्ट थ्री आपका फंडामेंटल राइट के लिए बात करता है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना पार्ट फाइव। तो यहाँ देखते हैं हम पार्ट फाइव से पहले एक और पार्ट है आपका, पार्ट फोर्थ ए,
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस पार्ट में आती हैं आपकी, ठीक है। तो पार्ट फोर ए, फोर था आपका, पार्ट फोर कौन सा था, पार्ट फोर था आपका डीपीएसपी का, ठीक है। और पार्ट फोर ए जो हो गया आपका वो क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आर्टिकल है वो है 51A, ठीक है। देखिए जो हमने अभी लास्ट में बात किया था ये पार्ट डीपीएसपी का, तो इसका जो आर्टिकल्स थे वो क्या थे, 36 से 51 तक, ठीक है। तो 51A जो है वो आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, जिसमें इनिशियली 10 थे, बाद में इसमें एक और ऐड किया गया तो 11 ड्यूटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये ड्यूटीज होनी चाहिए सिटीजन्स की, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट, पार्ट फिफ्थ की। पार्ट फिफ्थ जो है बात करता है यूनियन के बारे में, केंद्र के बारे में, ठीक है, कि केंद्र का सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक। तो उसमें पार्ट जो आपका फिफ्थ है उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर वन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, चैप्टर टू पार्लियामेंट के बारे में बात करेगा, चैप्टर थ्री लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करेगा, चैप्टर फोर यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहला क्या है आपका, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक आता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है आपका, पार्लियामेंट जो है 79 आर्टिकल से 98 नहीं, ये आपका आता है 122, एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या था हमारा, पार्लियामेंट जो है 79 से लेके आर्टिकल नंबर 112 के तहत आता है। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी बात जो है आर्टिकल नंबर 123, सॉरी ये 112 नहीं है, ये 122 है, ठीक है, 122 में आता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट की पावर के बारे में आर्टिकल 23 में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं यूनियन जुडिशरी के बारे में, यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट होकर आपका 147 तक जाता है, ठीक है। फिर इसी में देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो क्या था आपका, आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक, ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट है चैप्टर 4, जिसमें आप सीएजी के बात करते हैं, सीएजी है ना, कैग जिसे कहते हैं, सीएजी, ठीक है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 148 से लेके 151 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यूनियन के बारे में बात, ठीक है, सेंटर के बारे में। उसके पांच चैप्टर्स हैं, इनमें डिवीजन किया गया और उनमें कौन कौन से चैप्टर्स के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, चलिए फिर है हमारा पार्ट सिक्स, ठीक है। पार्ट फाइव में किसके बारे में बात की थी, यूनियन के बारे में, पार्ट सिक्स क्या है आपका, स्टेट के बारे में बात करता है। तो देखिए पार्ट सिक्स जो है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। तो पहला आपका जो है चैप्टर वन जनरल, ठीक है, बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेगा कि स्टेट का क्या क्या डेफिनेशन टर्म्स में बात करता है। तो इसका आर्टिकल है 152, क्योंकि अब तक हमने कहाँ तक देख लिया, 151 आर्टिकल्स तक हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका आर्टिकल हो गया 152। फिर चैप्टर टू आता है, इसी में एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेगा। तो एग्जीक्यूटिव में क्या आता है आपका, गवर्नर आता है ना, अटॉर्नी जनरल आ गए, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेगा। तो ये आर्टिकल्स जो है 153 से लेके 167 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव के तहत आते हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर थ्री के बारे में। चैप्टर थ्री जो है स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, ठीक है, जिसे विधायिका कहते हैं, है ना, विधानसभा या आपकी जो आपका काउंसिल होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में बात करता है। तो इसमें जो आर्टिकल्स है 168 से स्टार्ट होकर आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर थ्री, ये कंटेन करता है आर्टिकल नंबर 212 तक, ठीक है। लेजिस्लेटिव कितना कंटेन करता है, 168 से 212 तक का। फिर चैप्टर फोर जो है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करता है, किसकी, गवर्नर की। हमने यूनियन में देखा था किसकी पावर, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में।
तो यहाँ पर आपकी गवर्नर के पावर के बारे में बात करता है, तो वो क्या है 213 आर्टिकल, ठीक है। और फिर हमारा देखिए, हमने कहाँ तक बात कर ली थी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, है ना। तो ये देखिए, यह कहाँ तक थी आपकी 213 आर्टिकल, है ना। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 4-5 की, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ली थी यूनियन में, अब हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, जो कि स्टेट में होती है आपकी, ठीक है। इसके जो आर्टिकल्स हैं 214 से लेके 232 तक। अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में, ठीक है। और फिर एक चैप्टर 6 आता है आपका स्टेट के अंदर ही, जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 233 से स्टार्ट होकर आपका 237 तक जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, किसका डिवीजन, स्टेट का डिवीजन हो गया, स्टेट के जो आर्टिकल्स हैं और पार्ट्स में, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। चलिए देखते हैं, अभी देखिए हमने पार्ट 6 तक कर लिया था, पार्ट 7 हमारा आता है, जो कि है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारा शेड्यूल हमने पढ़ा था, शेड्यूल का जो लेक्चर था हमारा, ठीक है, तो शेड्यूल में क्या था आपका फर्स्ट पार्ट में, तो उसका जो पार्ट बी था, ये उसके बारे में बात करता है। तो बेसिकली ओमिटेड है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ओमिटेड, ओमिटेड मतलब अब ये पार्ट जो है वो हटा दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। बट इसका हमें आर्टिकल एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल था इसके तहत, इसके तहत 238 नंबर का आर्टिकल आता था पार्ट 7 के तहत, ठीक है। कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हम बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 जो है आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, ठीक है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, है ना, दमन दीव, है ना, इन सब के बारे में बात करेगा आपका पार्ट 8। तो ये जो है आर्टिकल 239 से 242 तक के आर्टिकल्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। चलिए पार्ट हमारा 8 हो गया है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 9 की, ठीक है। पार्ट 9 आपका पंचायत के बारे में बात करता है। देखिए, हमने एक क्लास में बात किया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में, जो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है, है ना। तो ये आपका पार्ट क्या आ गया, 9। पार्ट 9 आपका पंचायत के बारे में बात करता है, जिसके अंदर जो आर्टिकल है बेसिकली वो है 243 आर्टिकल, ठीक है। बट इसमें जो है आर्टिकल्स का डिवीजन किया गया है अल्फाबेटिकली, ए टू जेड, ए टू ए ऑनवर्ड आपका ए बी सी डी, इस तरीके से आपका डिवीजन किया गया है। तो देखिए, पंचायत में आपका 243 तो है ही, उसके साथ ही 243 ए से लेके 243 ओ तक जितने आर्टिकल्स हैं वो आपके पंचायत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उसके अलग अलग प्रोविजंस के बारे में, क्वालिफिकेशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर है आपका पार्ट 9B A, जो 9 पार्ट है आपका, उसी का ए सेक्शन, वो आपकी म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात कर रहा है। ये किसके तहत आ रहा है, 243 के तहत ही आ रहा है आपका, बट क्या है यहाँ पे सब डिवीज़न है इनका। तो ये कहाँ से आता है, 243 पी से लेके आपका 243 जेड जी, ठीक है। देखिए ये क्या है, जेड जी कैसे आ गया, देखिए ए बी सी डी आपका तो चल रहा था, जेड खत्म हो गया, ठीक है, जेड पे एंड हो गया। फिर जो नेक्स्ट आया, जैसे आपका ये था आर्टिकल, मान लीजिए ये था आपका आर्टिकल 243 जेड, ठीक, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो आएगा आपका 243 जेड ए आएगा, जेड तो आपका वहीं स्टॉप हो गया, उसके बाद ए सीरीज, फिर नेक्स्ट में बी ऐड हो जाएगा इसकी जगह, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज आई, वो जेड जी तक गई आपकी, ठीक। ये किसके बारे में बात कर रहा है, आपकी म्यूनिसपैलिटीज के बारे में बात करता है, ठीक। फिर जो है आपका 9B है जो पार्ट, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे कि आजकल हम अर्बन सिटीज़ में स्पेशली क्या हो गया, सोसाइटीज़ बन गई हैं, कॉलोनीज बन गई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई हैं, है ना, तो उनको भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो पार्ट है वो आपका 9B है, और इसमें जो आर्टिकल्स हैं, देखिए हमारा पुराना क्या आर्टिकल था, GH, यहाँ क्या स्टार्ट होगा, 243
जेड सॉरी एच, यहाँ था जेड जी है ना, ये चालू हुआ जेड एच से और ये चलेगा आपका 243 जेड टी तक, ठीक है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये थोड़ा सा आर्टिकल्स कई बार पूछा जाता है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव के लिए कौन कौन सी सीरीज रहती है, ठीक है। बेसिकली डिटेल में भी कई बार पूछते हैं बट जनरली ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी सीरीज है आपको, तो ये याद रखना है ए से ओ तक आपका पंचायत हो गया, फिर आपका जो है टी से जेड जी तक आपका म्यूनसिपैलिटी हो गया, फिर जेड एच से लेके जेड टी तक आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हो गया, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट है पार्ट 10, जो पार्ट 10 है वो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे, ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है बेसिकली, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो इसका आर्टिकल है 243, नहीं नहीं सॉरी 244, 243 तो हमारा ये वाला हो गया ना, तो इसका आर्टिकल है 244, ठीक है। फिर देखते हैं हम आर्टिकल 11 अपना, ठीक है। जो आर्टिकल 11 है वो बात करता है रिलेशन किसके बारे में, यूनियन और स्टेट, क्योंकि हमारे पास जो केंद्र सरकार है भारत में और जो हर राज्य की अपनी अलग अलग सरकारें हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन है, तालमेल है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है ये। और इसमें भी दो दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो चैप्टर वन जो है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करेगा और चैप्टर टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला चैप्टर है हमारा, इसमें आर्टिकल 245 से 255 तक, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक रिलेशन जो है, वो आपका 256 आर्टिकल से लेकर आपका 263 आर्टिकल तक बात करता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल, सॉरी अगले, देखिए फिर हम बात करते हैं, हमने 11 पार्ट कर लिया, फिर हमारी बात आती है पार्ट 12th की, ठीक। पार्ट 12th जो है आपका वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए जो आपका सूट्स के बारे में बात करता है, तो देखिए चैप्टर वन जो है आपका फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर टू आपका बोरोइंग के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर थ्री आपका प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स और सूट्स के बारे में, ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। देखिए चैप्टर फोर जो है आपका यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लीगल राइट के बारे में। लीगल राइट क्या था हमारा पहले, फंडामेंटल राइट था, जो कि अब क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स में था प्रॉपर्टी टू राइट, अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया है, लीगल राइट में, ठीक है। तो ये किस में आ गया, पार्ट 12th के चैप्टर 4th में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई आपका लीगल राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आपका कहाँ गया है, किस पार्ट में आया है, तो पार्ट 12th आपका और चैप्टर 4th में आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो फाइनेंस है, फाइनेंस के बारे में बात करता है जो आर्टिकल 264 से लेके आपका 291 के बीच, ठीक है, और बोरोइंग के बारे में 292 से लेके 293 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके बोरोइंग के बारे में बात करेंगे, और फिर आपका आता है प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट के बारे में बात करता है जो, तो 294 से लेके 300 तक जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। फिर जो आपके लीगल राइट है वो क्या है, उसका आर्टिकल हो गया आपका 300A है, ठीक। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है या लीगल राइट जो है वो आपका कौन सा है, 300A, ये आपको याद रखना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे पार्ट 13 के बारे में। पार्ट 13 जो है आपका ट्रेड, कॉमर्स, इंटर कोकोस विद इन टेरिटरी, ठीक है, कुल मिला के ये व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करता है, ठीक है, ट्रेड के बारे में बात करता है। इसके जो आर्टिकल्स है वो 301 से लेकर आपके 307 तक हैं, ठीक है। इन आर्टिकल्स के तहत क्या आता है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी, मतलब जो देश के अंदर व्यापार हो रहा है उसके बारे में बात करेगा आपका पार्ट 13, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट
आपका क्या हो गया था, 13 पार्ट 14 है ना। तो ये क्या बात करता है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। ये जो आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट्स के, या सबऑर्डिनेट बोर्ड्स हैं जो हर स्टेट्स के होते हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो इन सब के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इसके तहत दो चैप्टर्स हैं आपके सर्विसेज में और पब्लिक सर्विस कमीशन में, ठीक है। तो जो सर्विसेज चैप्टर है ये कंटेन करता है 308 आर्टिकल से लेके 314 नंबर आर्टिकल तक, ठीक है। फिर आपका आता है चैप्टर टू जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है, स्टेट और यूनियन दोनों के, जैसे आप यूपीएससी हो गया है ना, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में बात करता है। तो उसका चैप्टर नंबर है 2 और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 315 से लेके 323 तक के, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पार्ट 14A, ठीक है, ये आपके ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, ट्रिब्यूनल का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर जो सर्विसेज होंगी, ट्रिब्यूनल मतलब जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है ना, उसके बारे में बात करता है। तो इसका आर्टिकल है आपका 323A एंड 323B, ठीक है जी। अब फिर हम बात करते हैं अपने अगले पार्ट की। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 15th, ठीक है, ये पार्ट 15th है। पार्ट 15th आपके इलेक्शंस के बारे में बात करता है, इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या रहेगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेगा। तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं 324 से लेके 329A तक आता है, ठीक है। ए मतलब 329 का एक डिवीज़न है ए, ठीक है, तो वहाँ तक आपका ये आता है। फिर आपका है पार्ट 16, पार्ट 16 आपका स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है, कंसर्न क्लासेस के बारे में, ठीक है, जो SC ST हैं, OBC हैं, उन सब के बारे में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक, इन सब के बारे में जो बात करता है आपका पार्ट 16। तो इसका जो आर्टिकल है 330 से लेके आपके 342 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो इस प्रोविजन के अंदर आते हैं, पार्ट 16 के अंदर, ठीक है। फिर हम बात चलिए फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट 17 के बारे में। पार्ट 17 जो है हमारा वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमारे डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखते हैं जो यूनियन की लैंग्वेज है, केंद्र सरकार की जो लैंग्वेज होगी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें सरकारी कामकाज होगा, उसके बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो है आपका 343 से 344 के बीच में, ठीक है। फिर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में जो बात करेगा आपका आर्टिकल वो है 345 से 347 के बीच में। रीजनल लैंग्वेज मतलब जैसे आपका स्टेट्स हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनकी जो, या आपकी नॉर्थ में भी है पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये सब जैसे जो रीजनल लैंग्वेजेस कंटेन करते हैं जो स्टेट्स, उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में बात करता है आपका आर्टिकल, सॉरी पार्ट 17 का चैप्टर नंबर 2 और विद आर्टिकल 345 to 47। फिर लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बारे में जो है आपका, किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम करता है उसके बारे में बात करता है 348 से लेके 349 तक के जो आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पार्ट जो आपका कौन सा चल रहा था, पार्ट चल रहा था 17 और उसका चैप्टर नंबर 4, इसमें स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो उसमें जो आर्टिकल कंटेन करता है वो 350 से लेके 351 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके आते हैं स्पेशल डायरेक्टिव्स के अंदर, ठीक। अब देखिए पार्ट जो है आपका 18 नंबर का जो पार्ट है वो आपके बारे में, किसके बारे में बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, ठीक है, जिसके हम आर्टिकल्स देख लेते हैं 352 से लेके 360 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन आपकी कैसी रही, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आपके तीन टाइप के होते हैं, एक हो गया नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक, फिर थर्ड है आपका
प्रेसिडेंशियल रूल या स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो ये आपके कितने आर्टिकल्स में आते हैं, 52 से लेके 360 के आर्टिकल के बीच में आते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं पार्ट 19 की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन पिछले जो हमारे पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो कवर नहीं हो पाए उनमें, तो उन सभी पॉइंट्स को पार्ट 19 में डाल दिया गया, ठीक है, जिसे मिसलेनियस के नाम से जानते हैं हम। और ये कंटेन करता है आर्टिकल 361 से लेके 367 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो मिसलेनियस पॉइंट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हमारा पार्ट 20 है। पार्ट 20 किसके बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कई लेक्चर्स में देखा है अमेंडमेंट करना है तो हमारा कौन सा आर्टिकल होता है, 368, इसके तहत हम अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं किसी भी आर्टिकल्स में, ठीक है। तो इसका आर्टिकल कौन में होता है, 368। फिर हमारा है पार्ट 21। ये क्या है, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स को या कुछ यूटीज को या कुछ एरियाज को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे था आपको पता होगा आर्टिकल 370 क्या था, और 35A के बारे में आपने सुनाई होगा, ये दोनों आर्टिकल्स के बारे में। ये क्या थे, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे, तो JNK को क्या थे, ये स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल राइट्स दे देते थे, ठीक है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक। उसी तरीके से हर स्टेट में, कई सारे स्टेट्स में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, और कुछ हमारे मेन लैंड जो आपका कंट्री है, मेन स्ट्रीम कंट्री, उसके जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस, वो आते हैं पार्ट 21 में, ठीक है। तो ये कंटेन करते हैं 361 आर्टिकल से लेकर आपका 392 आर्टिकल तक, ठीक है, समझ गए। देखिए पार्ट 21 क्या है, टेम्पररी और ट्रांजिशन प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बेसिकली बात करता है। इसके आर्टिकल 361 से 392 तक हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर 22, ठीक है। ये 22वां पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। ये बहुत सारी, कई सारी चीज़ों को समावेशित करता है, मिक्स करता है, ठीक है। तो इसका जो आर्टिकल्स है बेसिकली, ये आप हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 393 से लेके 395 तक, ठीक है। हमारे जब ओरिजिनल बना था हमारे पास कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे ना जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, तो ये हमारा ये हो गए। और बाकी जो रेस्ट ऑफ आपके आर्टिकल्स आते हैं जो ऐड हुए टाइम के साथ में, वो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में कवर होंगे, ठीक है, ये वो उधर आ जाते हैं। बट जो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिस टाइम पर, उसमें कितने कितने आर्टिकल्स या सेक्शन या पार्ट्स थे, ठीक है। ये हम कवर कर रहे हैं जो इंडियन पॉलिटी, वो एज पर कंटेंट इन लक्ष्मीकांत जो बुक है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कितने पार्ट्स मिल गए हमें, 22 पार्ट्स पूरे मिल गए, और जिसमें हमने देखा कि कितने हर पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स को कंटेन किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो शेड्यूल्स थे, आपको याद होगा कितने शेड्यूल थे हमारे पास, इनिशियली 8 थे, ठीक है, बट बाद में हमारे कितने पास हो गए, 12। तो हमें 12 के 12 शेड्यूल पढ़ने हैं, 12 के 12 शेड्यूल के बारे में हमें जानना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।